Hey guys, Artistification चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम बिना बिग पेन के एक रियलिस्टिक पेन से पोर्ट्रेट कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बना रहे हैं पोर्ट्रेट सैमुअल एल जैक्सन का, जो कि हॉलीवुड के एक एक्टर हैं, और इस नॉर्मल पेन से बनाएंगे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम इस नॉर्मल पेन से एक स्मूथ सा टेक्स्चर देके पेन ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। मैंने आज से पहले एक या दो बार ही ड्राइंग बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो भी इतनी अच्छी नहीं बनी थी पेन से, क्योंकि पेन से मेरे को मर्ज करना या शेडिंग करनी इतनी अच्छी नहीं आती थी। लेकिन इस बार मैंने अच्छी तरीके से एकदम सीख लिया है शेडिंग कैसे करते हैं। तो इस बार मैं रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, उसके लिए मेरे को चाहिए एक पेन और तो और एक मेरे को स्टैम्प पैड भी चाहिए। स्टैम्प पैड का मैं यूज़ आपको अभी बताऊँगा इस वीडियो में कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम इसमें बिग पेन नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें मैं एक नॉर्मल पेन का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना स्मूथ नहीं रहता है। तो जितना मेरे को एकदम स्मूथ पेन मिले नॉर्मली, मैंने वो ले लिया है। इसी से ड्राइंग बनाएंगे, और ज़्यादा स्मूथर एरियाज के लिए हम स्टैम्प पैड का यूज़ करेंगे। बताता हूँ कैसे। आपको स्टैम्प पैड चाहिए, एक कॉटन चाहिए। आप कॉटन को स्टैम्प पैड पर लगाना, और उसके जहाँ पर भी स्मूथ एरियाज वहाँ पर सॉफ्टली सॉफ्टली प्रेस करना, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आएगा इस स्टैम्प पैड से। फिर उसके ऊपर पेन से आप टेक्सचर दे सकते हैं, अगर आपको थोड़ा रफ टेक्सचर देना है, थोड़ा स्मूथ टेक्सचर देना है, आप पेन की मदद से दे सकते हैं। इस फोटो का रेफरेंस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको भी इस फोटो को बनाना है या ड्राइंग करनी है, तो आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से ले सकते हैं। कॉटन की हेल्प से तो मैं बड़े बड़े एरियाज को स्मूथ टेक्सचर दे रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को छोटे एरियाज को देना है स्मूथ टेक्सचर, तो फिर मैं ईयरबड का यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पे आइस में होता है स्मूथ टेक्सचर, मैं वहाँ पे ईयरबड का अप्लाई करूँगा। और जहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी जगहें हैं, जैसे आइस की आईलैशेस वगैरह, वहाँ पे जहाँ पे काफ़ी स्मूथ टेक्सचर है, मैं उस जगह पे ईयरबड का यूज़ कर रहा हूँ। हाइलाइट्स के लिए मैंने यूज़ किया था इलेक्ट्रिक इरेजर, लेकिन इस इलेक्ट्रिक इरेजर को ज़्यादा देर तक आपको पेज पे रख के हाइलाइट्स की कोशिश देने का नहीं करना है, इतने ज़्यादा हाइलाइट्स नहीं देगा। हाइलाइट ज़्यादा चाहिए तो जेल पेन का यूज़ करना। इलेक्ट्रिक इरेजर अगर आप ज़्यादा देर तक पेज पे रखोगे, तो वो आपके पेज को एकदम फाड़ सकता है, ख़राब हो सकती है पूरी ड्राइंग। एक ही पेन से तो ड्राइंग नहीं कर सकता हूँ पूरी ड्राइंग, और ये स्टेशनरी पे कहीं पे मिल भी नहीं रहा है, तो मैं दूसरे पेन का यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि दोनों पेन का जो इंक का कलर है वो सेम ही हो, एक डार्क और एक लाइट, या एक पर्पल और एक ब्लू, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरी ड्राइंग ख़राब हो सकती है। तो मैंने भी इसमें देख कर यूज़ किया, तो आप भी देख कर यूज़ करना, नहीं तो ड्राइंग ख़राब हो सकती है। और जो डार्कर एरियाज हैं, ब्लू से भी ज़्यादा ब्लैक कलर के डार्क एरियाज, उनके लिए मैंने ब्लू में ब्लैक पेन का मिक्स करके ड्राइंग बनाई है, जिसमें पहले मैंने ब्लू क्लियर कर दी, फिर ऊपर से ब्लैक क्लियर करी है, फिर उसको फिंगर से मर्ज करने की कोशिश करी है। और कोशिश करना कि ज़्यादातर जितने भी लाइट एरियाज हो, वहाँ पे स्टार्टिंग में तो आपको उसको वाइट ही रहने देना। जब आप बाकी सारे एरिया बना लो, फिर वहाँ पे एकदम लाइट शेडिंग करना, ताकि वो एरिया हाईलाइट होकर आपकी ड्राइंग में काफ़ी अच्छा लगे। पोर्ट्रेट में स्पेक्ट्स के लिए मैंने यूज़ किया ब्लैक पेन, क्योंकि ब्लैक पेन काफ़ी डार्क दे रहे हैं, और इस चश्मे का रंग भी काफ़ी डार्क है, तो इसलिए मैंने ब्लैक पेन यूज़ किया है। आप भी ब्लैक पेन यूज़ करना अगर आप बनाएं। पेन को ब्लेंड तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मैंने तभी भी कोशिश करी है ईयरबड से। अगर आप ईयरबड को पेन को अप्लाई करते उस पर करोगे ट्राई, तो हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आ ही जाएगा। लेकिन ये तभी अप्लाई करना जब आपने तभी तभी पेन यूज़ किया हो, जब थोड़ी इंक गीली हो उसकी पेज पर, तो ही होगा, नहीं तो अगर सूख जाएगा एक बार तो अप्लाई आप नहीं कर पाओगे, ब्लेंड हो पाएगा।
किया है। और अगर पेन वाली ड्राइंग में आप पहले ब्लैक पेन यूज़ करते हैं फिर उसके ऊपर व्हाइट जेल पेन यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर क्या होगा कि आपका जो व्हाइट जेल पेन है वो ग्रीन कलर का होने लग जाएगा, ब्लू के ऊपर या किसी और रेड के ऊपर ही अच्छा लगेगा। ग्रीन के अगर आपको ब्लैक कलर करना है तो बाद में करना, ब्लैक के ऊपर कभी हाईलाइट नहीं करना ब्लैक पेन से, ये जो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ऐसी कुछ भी नहीं हमारी ड्राइंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ड्राइंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे मैं और ऐसी मजेदार वीडियो ड्राइंग के ऊपर लाते रहूंगा।